हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ लवली तिवारी फ्रॉम इनफाइनाइट ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज का जो टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ऑन डिमांड टॉपिक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी करिएगा। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है 2020 में प्रकाशित सभी महत्वपूर्ण पुस्तक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के साथ बने रहें। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, कोरोना कविता काल के लेखक कौन है? कोरोना कविता काल के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई जो कि एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और वर्तमान में केरल के ये 15वें राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, इस सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? सियासत में सदस्यता के लेखक विजय कुमार है। विजय कुमार, ये पुस्तक बिहार के विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक में असेंबली की महत्वपूर्ण गतिविधियों का वर्णन किया गया है। सियासत की सदस्यता, इस पुस्तक में असेंबली की महत्वपूर्ण गतिविधियों का वर्णन किया गया है। अगला जो बहुत, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? गाइज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा इस बार। इसका आंसर है नीना रॉय अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक, और ये पुस्तक नवंबर माह में रिलीज होगी। इस पुस्तक में अन्य प्राचीन सभ्यताओं की संस्कृतियों के साथ अयोध्या की तुलना की गई है, ताकि जो पाठक है उसको ये फील हो सके कि अतीत से जुड़ा हुआ उसे वो महसूस कर सके। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है? स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, और स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय कपड़ा एवं महिला तथा बाल विकास मंत्री हैं, इन्होंने लिखा है स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक। इस पुस्तक का विमोचन दिल्ली में किया गया था। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है, वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा चेतन भगत। अगला जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो यह है कि पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैक टू स्टोरीज के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा सुधा मूर्ति। इन्होंने दादा दादी की कहानियों की कहानी के नवीनतम संग्रह जो कि 1 नवंबर को रिलीज हो किया जाएगा, इसमें इन्होंने 20 कहानियों को शामिल किया है और इसकी जो लेखिका हैं वो हैं सुधा मूर्ति। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यह है कि पुस्तक ग्रेस्टिक कैंसर के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा डॉक्टर अशोक बैद। ये पुस्तक स्प्रिंगर हेल्थ केयर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यह है कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 का विजेता कौन है? इसका आंसर होगा ये नीदरलैंड की लेखिका मैरीके लुकास रिजनेबेल्ज। इनको इस सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है इनके उपन्यास डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। और इनसे जुड़ा हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यह पुरस्कार जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है, यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं, तो इसको भी ध्यान रखना गाइज। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा करण जौहर। फिल्मों का निर्देशन भी किया है इन्होंने, और करण जौहर ने बच्चों की परवरिश पर एक किताब लिखा है जिसका शीर्षक है द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। गाइज, इसको भी ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा स्टीव वॉ, द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट के लेखक हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यह है कि सूरज कदे मरदा नहीं पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा बलदेव सिंह
कदा कर्मण। गाइस अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां से सभी वीडियो, आपको जो जिस भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए, आप वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यह है कि टाइगर स्पीक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो टाइगर स्पीक पुस्तक, इसके लेखक हैं कार्टूनिस्ट हरिओम तिवारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने वन्य जीव दिवस के अवसर पर इस पुस्तक यानी कि टाइगर स्पीक का विमोचन किया था। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है द इकबाक पुस्तक के लेखक कौन है। द इकबाक पुस्तक, इसके लेखक हैं जे के रॉलिंग इसकी लेखिका हैं। इनका पूरा नाम जॉन कैथरीन रॉलिंग है। आज के ज़माने की सबसे मशहूर लेखिकाओं में से एक हैं, तो इसको भी ध्यान रखना। गाइस अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि पुस्तक सेव यूथ सेव नेशन का लेखक कौन है। इस पुस्तक की लेखिका हैं सीमा हिंगोनिया, जो कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अगला क्वेश्चन जो है वो है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रस्किन बांड हैं। रस्किन बांड, इस पुस्तक में रस्किन ने 16 साल की उम्र से लेकर लेखक बनने तक की कहानियों को पिरोया है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा जसवंत राठी। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यह है कि फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है। इसका आंसर होगा सीएबी पट्टाभिराम। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बुहान डायरी डिस्पैच क्राइम पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये चीनी साहित्यकार फाग फाग के द्वारा लिखा गया है, तो इसको भी ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाइज अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक किसके द्वारा किससे संबंधित है। यह पुस्तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संबंधित है। गाइज अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है सटलिंग्स टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पी बी सिंधु पुस्तक के लेखक कौन है। इसका आंसर होगा बी कृष्ण स्वामी। इन्होंने लिखा है सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पी बी सिंधु। खेल पत्रकार बी कृष्ण स्वामी द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में पी बी सिंधु के शुरुआती जीवन से लेकर विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा के बारे में बताया गया है। गाइज अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि पुस्तक हु इज भारत माता अंग्रेजी संस्करण के लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा पुरुषोत्तम अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है पुस्तक हु इज भारत माता। गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में उद्यमिता के लेखक कौन है। तो वो है कलराज मिश्र भारत में उद्यमिता के लेखक हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि पुस्तक मोदी अगेन के लेखक कौन है। मोदी अगेन पुस्तक के लेखक हैं आभास मालदाहियार। व्हाई मोदी इज राइज फॉर इंडिया एन एक्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक भी जो है आभास मालदाहियार हैं। तो ये भी ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि पुस्तक दोपहरी उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा पंकज कपूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल के जीके प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाकर जरूर देखें। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए, ताकि सभी तक ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू।